जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ के अंदर जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन से जो जवान भर्ती होते हैं उनकी सैलरी के संबंध में। वो जवान चाहे किसी भी ट्रेड से भर्ती है लेकिन उसकी रैंक कांस्टेबल है, यानी कि कुछ ट्रेड ऐसी हैं जिनके ऊपर हेड कांस्टेबल रैंक पे भी भर्ती होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हम। सिर्फ कांस्टेबल, कुक, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, बार्बर, वाशरमैन, चाहे इसके अंदर शिविरमैन पोस्ट आ गई, टेलर पोस्ट आ गई, लेकिन वो कॉन्स्टेबल रैंक से बढ़ती है तो उसको कितनी सैलरी मिलती है, कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग के बाद में कितनी सैलरी मिलती है, इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी ट्रेड हैं जिन ट्रेड के अंदर आपको सैलरी के अलावा भी इनकम होती है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हम अगर सैलरी की बात करें तो कांस्टेबल से जो जवान भर्ती होते हैं, चाहे वो किसी भी फोर्स के अंदर भर्ती हो रहा है, किसी भी ट्रेड से भर्ती हो रहा है, जीडी से भर्ती हो रहा है, लेकिन अगर उसकी रैंक कांस्टेबल है तो उसको 21,700 रुपये बेसिक पे मिलती है। तो 21,700 बेसिक पे के ऊपर ही आपके जितने अलाउंसेज बनते हैं वो सभी आपके जितना परसेंटेज मिलता है वो 21,700 के ऊपर आपको परसेंटेज मिलता है। तो अभी हम बात करें कि कौन कौन से परसेंटेज, कितना परसेंट, कौन कौन सा अलाउंस मिलता है, तो सबसे पहले मिलता है अभी महंगाई भत्ता, जिसको डीए बोला जाता है, जो आपका हर साल बढ़ता है, साल के अंदर दो बार ये बढ़ता है। तो अभी वर्तमान में 31% आपका डीए चल रहा है, तो 21,700 के ऊपर आपको 31% डीए मिल जाता है, तो 31% डीए आपका बन जाता है 6,727 रुपये। तो आपकी बेसिक और डीए दोनों मिला के लगभग आपकी सैलरी 28,500 रुपये के समथिंग बन जाती है। इसके बाद में आपको मिलता है हाउस रेंट अलाउंस, एच आर ए डिपेंड करता है कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। अगर आप एक्स सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 27% मिलेगा, अगर आपका घर वाई कैटेगरी सिटी में आता है तो आपको 18% मिलेगा, अगर आपका घर जेड कैटेगरी सिटी में आता है तो आपको 9% एच आर ए मिलता है। आपको नहीं पता कि आपका घर किस कैटेगरी में आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा द्वारा बनाया गया वीडियो मिल जाएगा, जिसके अंदर हर शहर के बारे में जानकारी दी है, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो क्षेत्र है वो किस कितने परसेंट एरिया में आता है। तो अगर आपको 9% भी एच आर ए मिलता है तो 21,700 का 9% आपको लगभग 1953 रुपये 2,000 के समथिंग आपका एच आर ए बन जाता है। तो आपकी दोनों 28,500 रुपये तो बेसिक और डीए हो गई थी और लगभग आपको 2,000 रुपये आपको एच आर ए मिल जाता है। तो ये सभी जोड़ के लगभग आपकी 30,500 रुपये के समथिंग सैलरी बन जाती है। अभी 30,500 सैलरी के बाद में अभी आपको मिलती है राशन मनी। अब राशन मनी आपको मिलती है एक दिन का 117.29 रुपये मिलती है, जो आपकी 3518 रुपये बनती है। अभी ये राशन मनी आपको मिलती है लेकिन एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये आपकी सैलरी में आएगी ज़रूर, लेकिन आप इसको निकाल के वापस आपको जो मैस का इंचार्ज होगा उसको देनी पड़ती है, क्योंकि आप मैस में खाना खाते हैं, जितने दिन आप खाना खाएंगे तो आप वो पैसा आपको मैस में जमा करना पड़ता है। आपकी सैलरी के साथ ही राशन मनी जुड़ के आती है, उसके बाद में जैसे ही आपका मंथ कंप्लीट होता है आपकी सैलरी आती है, आप इस पेमेंट को निकाल के और आप मैस इंचार्ज को देते हैं। लेकिन ये आप अगर जब छुट्टी के दौरान रहते हैं या आपने फैमिली साथ में रखी है, आप किसी या कहीं और बाहर ड्यूटी गए हैं या किसी प्रकार से आपने मैस में खाना नहीं खाया है, तब आपको नहीं देना पड़ेगा। ये अगर आप मैस के मेंबर हैं और मैस में आप जितने दिन खाना खाएंगे उसके हिसाब से आपको 170 रुपये के हिसाब से आपको मैस में जमा करना पड़ता है, लेकिन ये भी आपकी सैलरी के अंदर जुड़ के आता है। तो ये भी जोड़ने के बाद में लगभग आपकी सैलरी 34,000 रुपये बन जाती है। इसके बाद में आपको छोटा मोटा अलाउंस जैसे हेयर कटिंग अलाउंस मिलता है, सोप टॉयलेट अलाउंस मिलता है, रम अलाउंस मिलता है, ये सभी करके लगभग आपको 500-700 रुपये और मिल जाता है। तो लगभग आपकी जो सैलरी बनती है वो 34,500 रुपये बन जाती है। तो ये 34,500 रुपये सैलरी आपकी भर्ती जिस दिन आप हो जाते हैं उसी दिन से आपकी शुरू हो जाती है। आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई है, आपकी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है, या फिर आप ट्रेनिंग करने लग गए हैं, ये सैलरी आपको मिलेगी। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा अलाउंस जो मिलते हैं वो डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग के बाद में आपकी तैनाती किस क्षेत्र में होती है। अगर आपकी तैनाती हार्ड एरिया के अंदर हो जाती है, यानी कि सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर सबसे जो ज़्यादा अलाउंस मिलता है वो मिलता है 17,300 रुपये। अब मान लो आपने जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट करते आपकी ड्यूटी हार्ड एरिया में आ गई, आपको 17,300 रुपये अलाउंस मिलता है, तो आपको लगभग आपकी 52,000-53,000 रुपये सैलरी आपकी बन जाती है। फिर उसके बाद जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तब तक आपका डीए भी बढ़ जाता है, आपका एक इंक्रीमेंट लग जाएगा तो आपकी बेसिक भी बढ़ जाएगी, तो आपकी 55,000-60,000 रुपये के समथिंग आपकी सैलरी बन जाती है। वो मतलब ट्रेनिंग के बाद में जो
सैलरी डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कि आपकी जो तैनाती हुई है वो किस क्षेत्र के अंदर हुई है। इसके अलावा अगर आपका क्षेत्र वाई कैटेगरी या एक्स कैटेगरी में आता है तो आपका एचआरए भी बढ़ जाता है। तो ये तो मैंने जेड कैटेगरी का एचआरए लिया है। अगर आपका क्षेत्र आपका जो घर है वो एक्स कैटेगरी में आता है तो आपको 27% एचआरए मिलेगा। तो 27% आपकी बेसिक का अगर 27% एचआरए करते हैं तो लगभग 6,000 रुपये के आसपास तो आपको एचआरए अकेला ही मिल जाता है। तो दोस्तों यही थे एक सैलरी के संबंध में छोटी सी जानकारी। इसके संबंध में अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।